गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज मैं आपके साथ पनीर अफगानी बनाने की एक बिल्कुल नई और बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बोल में ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स पनीर लिया है और पनीर को मैंने थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है, तो इसे मैं ऐड कर लेती हूँ। और इसे हम हल्का सा ऐसे टॉस करेंगे सो डैट ये जो मसाले हैं ये अच्छे से पनीर के ऊपर कोट हो जाए। यहाँ पर पनीर के ऊपर मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए हैं, तो अब हम इन पनीर को शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में 1 चम्मच तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लिया है और अब मैं एक एक करके इसमें पनीर के पीसेज ऐड करती जाऊँगी। इसे हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। हमें इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही शैलो फ्राई करना है। ये पनीर दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है, इसका कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसे अभी एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। पनीर के पीसेस को मैंने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ तेल है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच ऑफ जीरा, 5 कली मैं यहाँ पर लहसुन की ऐड कर रही हूँ और 2 हरी मिर्च। साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज के प्याज जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्टर कर लेंगे। 2 मिनट के बाद यहाँ पर प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है, तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 8 से 10 काजू और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, और ये मैंने स्टेम के साथ लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये प्याज, काजू और धनिया के पत्ते जो हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच दही। इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसे हम बिल्कुल अच्छे से ठंडी होने देंगे और जब ये ठंडी हो जाए हम इसे मिक्सर में ऐड करके इसकी प्योरी बना लेंगे। अभी एक बोल में मैं मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच ये मैंने कसूरी मेथी लिया है। कसूरी मेथी को मैंने 10 to 20 seconds के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया था। अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बिल्कुल रेडी है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन में यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 तेज़ पत्ते, कुछ लौंग है और 2 इलायची है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये मसाले। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मसालों को अच्छे से स्टर करते हुए कुक करेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए मैंने इस मसाले को पका लिया है, इसे अच्छे से कुक कर लिया है और मसालों की साइड से ऑयल सेपरेट होने लगी है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और काजू का पेस्ट जो हमने बनाया था अभी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ये प्याज और ये मसाले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पनीर जो हमने शैलो फ्राई करके रखे थे। इसे हम करेंगे स्टर। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप जितना पानी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसे हम कवर करके कुक कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं तो मैं इसके लिए हटा लेती हूँ। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी पनीर बनकर रेडी हो गई है और पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट है।
तो आप इसे रोटी, पराठे, चावल या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।